गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कुटकुटी नमन, आप सभी को प्रणाम। साधना विधान का महत्वपूर्ण अंग है उपासना। विडंबना ये है कि इस संबंध में इतने भ्रम जंजाल फैले हैं जितने कि साधना के अन्य विषयों में नहीं फैले। उपासना का दर्शन समझे बिना मात्र कर्म कांडों में उलझना एक प्रवंचना मात्र है। साधकों के साथ अक्सर यही होता है। ऐसे व्यक्ति डींग तो बड़ी लंबी चौड़ी हांकते हैं, पर उपासना का कोई परिणाम उनके चिंतन में, चरित्र व्यवहार में परिलक्षित होता नहीं दिख पड़ता। लगता है या तो वो आधार गलत है जिस पर उपासना की गई, अथवा उपासना फलदायी होती ही नहीं है। असफलता मिलने पर बहुत से लोग अपने को नहीं, दोष देव को, भाग्य को देते हैं। प्रत्यक्ष मार्ग दर्शन के अभाव में और भ्रम जंजालों के कारण भोले साधना परायण व्यक्ति भी इस विडंबना से ग्रस्त और दुखी होते हैं। उपासना को सही अर्थों में समझना हो तो पहले उसके अर्थ पर एक दृष्टि डालनी चाहिए। उपासना अर्थार्थ उपासन यानी समीप बैठना। ईश्वर उपासना का अर्थ है ईश्वर का सामीप्य पाना, ईश्वर अर्थार्थ सद्गुणों का समुच्चय, आदर्शों से ओत प्रोत परम सत्ता, ऐसी सत्ता जिसका वर्ण कर हम श्रेष्ठ बन सकें, वर्तमान परिस्थिति से स्वयं को ऊंचा उठा सकें। ईश्वर और जीवों में वैसे तो समीपता है, पर है वो उथली। जीव की सार्थकता तभी है जब उसका स्वरूप एवं स्तर भी उसी के अनुरूप ऊंचा उठ सके। शिष्णोदर परायण जीवन जीते हुए मनुष्य अपनी आस्थाओं को, आकांक्षाओं को दिव्य नहीं बना सकता, फिर तो उसे नरकीट या नर पशु ही कहना उचित होगा। काया का विकास तो सभी कर लेते हैं, पर चेतना की दृष्टि से विकास ना हो सका, ईश्वर का सामीप्य पाने की पात्रता ना बन सकी, तो आयु की दृष्टि से प्रौढ़ होते हुए भी ऐसे व्यक्ति अविकसित ही कहे जाएंगे। पिछली योनियों की निकृष्टताओं से अपना पीछा छुड़ाने के लिए ही उपासना का उपक्रम बनाया जाता है। संगति यानी समीप बैठने का महत्व आप सभी जानते हैं। चंदन के समीप बहने वाली सुगंधित पवन आसपास के वृक्षों को भी वैसा ही सुगंधित बना देती है। टिड्डा हरी घास में रहता है तो उसका शरीर वैसा ही हो जाता है, और जब सूखी घास में रहता है तो पीला पड़ जाता है। महामानवों का सामीप्य पाने वाले उनकी शक्ति से, संगति से लाभान्वित होते ही हैं। चंद्रमा तभी चमकता है जब सूर्य का प्रकाश पाता है। अपने आप में वो प्रकाशवान नहीं, उसकी अकेली कोई सत्ता नहीं। सूर्य का आलोक जब उसे प्राप्त होता है तो अमावस्या के दिन चंद्रमा के यथास्थान रहते हुए भी उसका अस्तित्व लुप्त प्राय ही रहता है। परमात्मा वो दिव्य शक्ति आलोक से भरा प्रकाशपुंज है जिससे हम सभी प्रकाशवान होते हैं। उपासना हमें उनके समीप ले जाकर स्थायी बल प्रदान कराती है। जितना सामीप्य हमें ईश्वर का, परमात्मा का, सत्ता का मिलता है, उतनी ही श्रेष्ठताएं हमारे अंतःकरण में उपस्थित तथा बढ़ती चली जाती हैं। इसी अनुपात में हमारी आत्मिक शांति, प्रगति का पथ प्रशस्त होता जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, ईश्वर का दर्शन तब होता है जब 5 सत प्रवृत्तियां हमारे अंदर प्रवेश पाने व फलने फूलने लगती हैं। ये 5 सत प्रवृत्तियां हैं, उत्कृष्टता, निर्मलता, सहृदयता, उदारता, आत्मीयता। यही परमात्मा के ईश्वरीय सत्ता के भी गुण हैं। जैसे जैसे इन गुणों का अपने अंदर अनुपात बढ़ने लगता है, समझना चाहिए जीव उतना ही ईश्वर के समीप पहुंच गया। इन 5 सत प्रवृत्तियों को परमेश्वर का प्रतिनिधि पंचदेव भी कहते हैं। इन्हीं 5 पांडवों को आजीवन आंतरिक असुर कौरवों से लड़ना होता है।
आत्मा परमात्मा की निकट पहुंचने पर भौतिकी का ऊर्जा स्थानांतरण वाला सिद्धांत ही सार्थक होता है। गर्म लोहे को ठंडे के साथ बांध देने पर गर्मी एक दूसरे में पहुंच जाती है और थोड़ी ही देर में तापमान एक जैसा हो जाता है। दो तालाबों को यदि हम परस्पर संबद्ध कर दें तो अधिक पानी वाले तालाब का जल दूसरे कम पानी वाले तालाब में पहुंचकर दोनों का स्तर समान हो जाता है। उपासना के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से संबंधित करने का प्रयास किया जाता है। वैसे तो वो हर समय हर एक के पास हर स्थिति में बना ही रहता है, किंतु सामान्य व्यक्ति उसके सानिध्य की अनुभूति नहीं कर पाते। यदि मनुष्य अपने हर काम को परमात्मा को सौंप दे, हर काम उसी को जान समझकर करे और हर क्रिया को उपासना जैसी श्रद्धा व आस्था से करे, तो मनुष्य के साधारण नित्य नैमित्तिक कार्य भी ईश्वर की उपासना के रूप में बदल जाएं और वैसी ही शांति संतोष आनंद के पुण्यफल देने लगे। शरीर को हम रोज स्नान कराते हैं, वस्त्र हम रोज धोते हैं, कमरा रोज साफ करते हैं। कारण यह है कि एक बार की सफाई रोज काम नहीं देती। इसी तरह से मन को एक बार चिंतन मनन स्वाध्याय द्वारा साफ कर लिया जाए तो वो सदा के लिए वैसा ही नहीं रहेगा। अंतरात्मा पर निरंतर छाए रहने वाली इन मलिन आवरणों की सफाई उपासना की नित्य निरंतर आवश्यकता पड़ती है। ईश्वरीय गुणों का समावेश अपने चिंतन व्यवहार में इससे कम में हो ही नहीं सकता। आग के समीप बैठे बिना गर्मी कैसे आएगी? इसीलिए अपने आप को साधने के लिए, अनगढ़ से सुघड़ बनाने के लिए साधना की जाती है, उपासना की जाती है। आज के लिए इतना ही।